अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल टूल इन्फो 1232 पर। यह है एक नया प्रोडक्ट। जैसे कि आप जानते ही है कि आपका प्यार हमें बहुत ज़्यादा मिला है और हमारे लाइक्स और कमेंट्स और हमारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो व्यूअर्स हमें हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 हमें सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और बहुत लोगों की इसकी कमेंट थी कि भाई माइक्रो छोटा वाला काम करने के लिए अच्छा सा एक रोटरी ड्रिल बताइए। तो ये प्रोकट हीरो का एक हम लोगों रोटरी ड्रिल लाए हैं, रोटरी मशीन लाए हैं। ये बॉक्स को खोलते हैं, बढ़िया सा केस है, ये आपको बॉक्स के अंदर ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके सारे प्रोडक्ट सेफ रहेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत माइक्रो प्रोडक्ट है। देख लीजिए आप एक बार इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट है, पहले आप वो देख लीजिए। हर किस्म के इसके अंदर नया ही लेके आए हैं हम लोग। तो आप पहले इसको अनबॉक्सिंग आपके सामने ही मैं कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसका पूरा डिटेल बता दूँगा इसमें क्या क्या है और आपका इसका क्या क्या यूज़ रहेगा। ये खास करके लकड़े का कार्विंग करने वाले या आर्टिस्ट लोग हैं या सुनार का काम करने वाले जो पॉलिश का काम करते हैं, ये उनके लिए खास टूल किट है। इससे इससे कैलीग्राफी करने वाले कैलीग्राफी भी करते हैं, इससे बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे काम होते हैं। देख सकते हैं आप, पत्रे के अंदर कोई कार्विंग करना हो तो आपका वो काम हो जाएगा। ये सारे इसके अटैचमेंट है। इसमें हर तरी इसका आगे का रोटरी का मेन जो इसका शाफ्ट होता है उसको पकड़ने के लिए एक पाना दिया हुआ है, पाने के आगे बीड्स है। और ये सारे इसके प्रोडक्ट्स है, देख सकते हैं आप। एक एक चीज़ मैं आपको बता दूं। शुरुआत हम पहले मशीन से करते हैं। मशीन में क्या क्या मिलेगा हमको? मशीन में हमको मिलेगा एक इसके आगे लगाने वाला एक्सटेंशन मिलेगा जिसका यूज़ भी मैं आपको आगे बता दूंगा। और ये जो मशीन है सिंगल फेस पे चलेगा, इसकी टू पिन है, 2 मीटर का वायर है, देख सकते हैं आप। मशीन है प्रोकट, ₹8,000 RPM से लेके ₹30,000 RPM इसकी स्पीड है, बहुत ही हाई स्पीड का मशीन है ये। 8,000 से लेके 30,000 RPM लाइट वेट है। स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 नंबर की स्पीड के ऊपर आपको 8,000 RPM मिलेंगे और मैक्सिमम स्पीड के ऊपर आपको मिलेंगे 30,000 RPM। और यहाँ पे ऑन ऑफ करने की एक स्विच दी हुई है जो कवर वाली है, आप अगर उसको चालू करके पकड़ भी लेंगे तो आपके मशीन बंद नहीं होगा, आपको उसके अंदर उंगली से बंद करना पड़ेगा। बंद चालू भी कर सकते हैं आप आराम से। ये कार्बन लगाने की 2 जगह है, यहाँ से आप कार्बन चेंज कर सकते हैं। और ये मशीन का जो रोटरी है इसको ग्रिप पकड़ने के लिए, लॉक करने के लिए, इसका पाने से खोलने और फिटिंग करने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। ये लॉक है इसका जिससे ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे इसका खोल देना है इसको। अगर सिर्फ मशीन से काम कर रहे हैं तो आपको ये लगाना है, और अगर नहीं काम कर रहे हैं और आपको अगर इसको ये अटैचमेंट लगाना है तो वो अटैचमेंट भी आपको लगा के बताऊंगा। ये अटैचमेंट का खास काम क्या है कि ये जो अटैचमेंट है ये मशीन के अंदर लग जाएगा यहाँ पर ऐसे। मैं आपको एक बार फिटिंग करके बता दूँ, पास लेके आ जाइए थोड़ा। ये इसका पाना है जो इसके अंदर ही लगा हुआ है, इसको मैं खोल देता हूँ पहले। ये खुल गया। इसके अंदर हमारी एक चेन दी हुई है, जैसी हमारी गाड़ी में मीटर चेन आती है उस टाइप की चेन है। ये चेन को आपको इसके अंदर लॉक कर देना है, ये अंदर लॉक हो गई। और इसको वापस से इसकी रोटरी को आपको लॉक करके इसको उल्टा घुमा के टाइट कर देना है। ये पाने से टाइट कर दिया हमने। एक चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा, ये जो पेटी आपको दी हुई है, बॉक्स दिया हुआ है, आपको हर कोई सामान इस बॉक्स में रखना है। अगर ये छोटा मोटा सामान है अगर ये खो गया तो आपको फिर आगे ऑपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सब माइक्रो सामान है, सब छोटा छोटा सामान है, हर चीज़ आप देख सकते हो बहुत छोटी है। तो ये इसको यहाँ से मैंने फिटिंग कर दिया।
ये फिट हो गया यहाँ पर, इसमें मार्किंग दी हुई है आपका, ये ऐसे घूमेगा, राइट साइड पे घूमेगा ये, और ये मशीन को आप साइड पे रख के फिर आप, आपके सामने है ये मेरे मूवेबल रहेगा। अगर मैं इसको बॉल पेन की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कोई हैंड कार्विंग करनी हो या मुझे कोई कैलीग्राफी करनी हो या कोई छोटी सी चीज़ करना है, ये खास करके जो सुनार लोग होते हैं, सुनार का काम करते हैं या पीतल का कोई काम करते हैं, माइक्रो काम करते हैं, बर्तन पर लिखना, ये सब उसके अंदर खास काम होता है और ये डिज़ाइन बनाने के लिए खास उपयोगी है। और ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर मैंने मस्त ग्रिप आ गया, ऐसा लग रहा है मैंने बॉल पेन पकड़ा हुआ है, देख सकते हैं। इसके अंदर वो घीसी पाड़ते हैं, नक्सी पाड़ते हैं, वो नक्सी के अंदर आपको इसमें स्मूथ कर सकते हैं, बारीक बारीक नक्सी जो होती है उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वेल्डिंग किया हुआ हो, स्टील का वेल्डिंग किया हो, डिज़ाइन बनाई हो, उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो रोटरी की जो आगे जो हैंडल है, इसको कैसे ऑपरेट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर और एक टूल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये वाला, इसको आपको यहां पर रख, अंदर एक होल दिया हुआ है, देख लीजिए आप, ये होल के अंदर आपको इसको फंसा देना है। जैसे ही फंसा देंगे तो आपका ये रोटरी रुक जाएगा और ये फिर ओपन खुल जाएगा। ये खुल गया, देखेंगे आप, खुलने के बाद मैं आपको सही से आइडिया इसके लिए एक पाना लगा देता हूँ मैं, ये देख लीजिए, पाना में इसको लगा और खोलना पड़ेगा मुझे, पाना लग चुका है अंदर, मुझे इसको लगा के रखना है और मुझे इसको अब टाइट करना है। टाइट हो गया कंप्लीट, इसके जो छोटे वाले पाने से मैंने टाइट कर दिया, पाने को इसकी जगह पे रख दिया, इसको इसकी जगह पे रख दिया। अब मैं इसको आपको एक बार इसको चालू करके बता देता हूँ मैं कैसे चालू होगा ये। एक बार मैं चालू कर देता हूँ, अभी ये फुल आरपीएम पे है, मैं इसका आरपीएम लो कर देता हूँ, देख सकते हैं आप, आवाज़ आपको पता चल गई होगी, इसका आरपीएम कम हो गया। किसी चीज़ में आपको हॉल भी पाड़ के यहाँ से बंद चालू भी कर सकते हैं इसको। हमारे पास एक मोटा वाला आधे का वो प्लम्बर का टी बोलते हैं, प्लास्टिक का, बहुत ही हेवी आता है ये, कड़क आता है एकदम, इसको हम हॉल करके बता देते हैं। इसको और आरपीएम हम लोगों को बढ़ा देते हैं। कितनी आसानी से ये होल पाड़ देता है, इसके अंदर आपको दूसरे बहुत सारे अटैचमेंट मिलते हैं, एक एक करके मैं आपको सारे अटैचमेंट भी आपको बता देता हूँ, आपको खरीदना हो तो आपको आइडिया आ जाए। ये जो इसके अंदर का जो बीड है, वीडियो तो काफ़ी आपने देखे होंगे, मगर इसका जो डिटेल वीडियो है वो हम आपको खास आपके लिए लेके आए हैं कि आपको ख़रीदने से पहले पता चल जाए कि ये आपके लिए यूज़फुल प्रोडक्ट है या नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो रोटरी है ये सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगी, मशीन के अंदर भी सेम प्रोसेस लगेगी, और ये वाले जो इसका एक्सटेंशन वाला जो इसका रोटरी घुमाने वाली है इसमें भी ये सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर आपको इसके अंदर कोई पाना लगाना है वही प्रोसेस से आपका ये मशीन में भी पाना लग जाएगा और वही प्रोसेस से आपका इसमें भी पाना लग जाएगा, देख सकते हैं। ये मैंने इसको खोल दिया, अब इसके अंदर और दो तीन चीज़ है जो मैं आपको खास बता देता हूँ। ये पूरा खोल के आपको किसी ने बताया नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा बाहर निकल जाएगा, इसको यहाँ पे रख दिया, और इसके अंदर आपको जो एकदम छोटे छोटे वाले हैं इसके अंदर भी एक बीड्स है, देखिए देख सकते हैं आप, ये एक्स्ट्रा के बीड्स दिए हुए हैं आपको, देख सकते हैं आप, और इसके अंदर आपको बड़े बीड भी दिए हुए हैं, देख सकते, ये सब एक्स्ट्रा के बीड है।
अगर आपका एक बीट टूट गया काम करते करते, तो आपको दूसरे बीट भी आपको मिल जाएंगे। ये एकदम छोटा वाला देख सकते हैं आप, ये एक छोटा वाला बीट है और एक बड़ा वाला बीट है। तो अगर आपको छोटा काम करना है, जैसे मैं आपको माइक्रो इसका जो है ये बता देता हूँ, ये रहा एकदम छोटा वाला महीन ये इसका जो पाना है लकड़े का है, लकड़े में भी कर सकते हैं, लोखंड में भी कर सकते हैं, मैं आपको पत्रे के डब्बे में भी हॉल पाड़ के बताऊंगा। देखिए ये इसमें बैठ जाएगा और टाइट हो जाएगा, शार्प है एकदम। तो अभी मैं इसके अंदर इसका जो बीट था वही मैं लगा देता हूँ। बहुत आसान है, बीट को निकालना है, रख देना है और ये ऊपर से इसको टाइट कर देना है। बहुत ज़्यादा कोई सब मैन्युअल काम है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब मैं थोड़े से यहाँ पर जो प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी वो मैं सब चीज़ों का आपको बता देता हूँ। ये डिब्बी के अंदर जो होता है ना, ये आपकी जो ब्लेड्स आएगी बफिंग की वगैरह की सबकी आपकी ब्लेड आएगी, देख सकते हैं बहुत ही छोटी छोटी ब्लेड है। ये जो हमारी जो कटर होती है ना ग्राइंडिंग में जो कटिंग होती है उस टाइप की ब्लेड है, बहुत सारी ब्लेड है, 20 ब्लेड है एक डब्बी में। इतना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मशीन के आयुष्य तक आपका ये ब्लेड चलती रहेगी। आप इसको हिसाब से और अपने अपने काम के हिसाब से अगर इसको यूज़ करेंगे बहुत लंबा टाइम चलेगी। हर एक डब्बी में अलग अलग है, बॉक्स इसके अलग अलग दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं इसमें भी है। इसमें पॉलिश का वैक्स दिया हुआ है, देखिए ये वैक्स है पॉलिश का इसका, आपको जो पॉलिश करना हो उसका। और इसमें भी है, इसमें भी वही डिस्क है आपकी, मगर ये थोड़ी ज़्यादा रफ है। इसमें भी 25 है इसमें ये। और ये जो हमारी जो हमारा जो ग्राइंडर होता है ना बड़ा जो ग्राइंडर, उसके अंदर जो डिस्क यूज होती है ये वो वाली डिस्क है, देख सकते हैं आप। ये भी 5 डिस्क है, 1 2 3 4 5। इतने आप लोखंड हो पतरा हो या कोई भी चीज़ हो आप उसको आसानी से काट सकते हैं, मेटल को पतरे को। दोस्तों मैंने आपको ये जो डब्बी की पूरी जानकारी दे दी, अब ये वाले बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। सब पॉलिशिंग का सामान है, देख सकते हैं आपको अब आइडिया आ जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए है। एकदम माइक्रो चीज़ है, सब सैंड पेपर है ये पूरा, और इसके अंदर भी सैंड पेपर है, सब अलग अलग नंबर के सैंड पेपर है। ये तकरीबन 100 नंबर का सैंड पेपर है, देख सकते हैं मेरे, मुझे तो लगता है ये 30 के ऊपर होंगे। ये बहुत सब है। ये भी सैंड पेपर है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब सामान दिया हुआ है। आपको कोई भी चीज़ बाहर से परचेस करनी नहीं पड़ेगी, मशीन के साथ ही आपका पूरा जो नीड है पूरी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी आपको। इसमें भी सैंड पेपर है, देख सकते हैं आप। और उसके साथ साथ हमारा ये पत्थर को डिज़ाइन बनाने के लिए या मार्बल का जो काम करते हैं वो देखे होंगे आपके, वो जो किचन के अंदर जो काम होता है अकीक पत्थर का काम होता है, उसके अंदर बहुत बारीक बारीक डिज़ाइन बनाई हुई होती है, वो डिज़ाइन के अंदर पॉलिश करने के लिए यह खास काम लगेगा। हर एक डिज़ाइन के लिए अलग अलग है, देख सकते हैं आप। गीसी के अंदर जाने के लिए ये अलग से डिज़ाइन है, आगे से पॉइंटेड है। ये दूसरे टाइप के पत्थर है ज्वेलरी के लिए, और ये पत्थर के अंदर आप उसके आगे और एक इसका एमरी लगा सकते हैं, इसको एमरी भी बोलते हैं। पत्थर के साथ साथ छः एमरी है, हर एक टाइप की अलग अलग छः एमरी है। अब ये एमरी को कैसे फिट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए एक बहुत ही महीन, ये मुझे लग रहा है ये उसके लिए है, रबर का है ये खास करके जो ज्वेलरी आइटम को पॉलिश करने के लिए जो लास्ट पॉलिश होता है ना उसके अंदर ये यूज़ होता है। ये थोड़ा नरम है तो आपको उसके अंदर नुकसान नहीं करेगा। और ये देखिए ये भी नमदा बोलते हैं इसको, नमदा बता। हाँ इसको फिटिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिटिंग करने के लिए ये जो पाना है टूल यही हमको यूज होगा। इसके पीछे आपको पकड़ के खोलना है इसको, बहुत छोटा है, मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा है ये। आपका भी जो माइक्रो काम करते होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इसमें ये वाला लगेगा, पाने से मैं खोल देता हूँ इसको। ऐसे खुल जाएगा, इसको आपको ये लगा देना है। यहाँ पर हॉल दिया हुआ है, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। देखिए ये बाहर आ गया। घड़ियाल वालों के लिए भी बहुत उपयोगी है ये, घड़ी के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसको मैंने पकड़ लिया और यही टूल से मैं टाइट भी कर दूंगा इसको। मस्त टाइट कर दो आप इसको। इतना डिटेल रिव्यू शायद ही आपको कोई बताएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये नया प्रोडक्ट आया है और हमने इसका अनबॉक्सिंग किया हुआ है। लगा दिया मैंने इसको। इसको लॉक करने के लिए मुझे एक सलिया डालना है अंदर, सलिया डाल दिया है, ये लॉक हो गया। अब मैं इसको चालू करता हूँ। हमारे पास एक घड़ी है, घड़ी को मैं पॉलिश करता हूँ। मस्त तो पॉलिश हो रहा है ये, तो थोड़ी आरपीएम इसको कम कर देता हूँ मैं, फुल आरपीएम पे। घड़ी है उस हिसाब से हमको थोड़ा आरपीएम। देख सकते हैं शाइनिंग हो गया एकदम। मेरी भी घड़ी है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए मस्त इसके अंदर शाइनिंग आ गई, बहुत स्क्रैच थे मेरी घड़ी के ऊपर। प्योर शाइनिंग आ गई इसमें। इतने आप हर काम में ये यूज़ हो सकता है, ये पॉलिश लगा के करेंगे और भी ज़्यादा आपको ये काम देगा और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। खोलना भी बहुत आसान है। ऐसे इसको खोल रहे हैं, इसको खोल दिया है और इसके अंदर से जो हमारा खोल के इसको वापस फिटिंग कर देंगे। आपको मैं लगा के और कंप्लीट ये नमदा वमदा लगा के आपको किसी ने बताया नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या है कि अगर ख़रीदना हो तो आपको पूरा पूरा आइडिया आ जावे। लॉक करना रहेगा इसको। देखिए इसको मैं इसकी जगह पे रख देता हूँ। अभी भी मैं आपसे दोहरा रहा हूँ कि आप जहाँ से सामान लेंगे वहीं पर वापस रख दीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही छोटा छोटा सामान है, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा और ये बाहर मार्केट में मिलेगा नहीं। जो इसके अंदर जो सामान आता है आपको वही, उससे ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये पूरा माइक्रो सामान है, आपको इसको बहुत ही छोटा बारीक सामान है। तो जैसे ही आपका काम ख़त्म हो आपको इसको वापस रख, 300 से ज़्यादा अटैचमेंट है। देखो ये भी एक अटैचमेंट है, ये स्क्रू, आपका जो छोटे छोटे जो स्क्रू होते हैं उसको अगर खोलना हो ये उसका एक अटैचमेंट है। उल्टे उल्टे आंटे वाला बोलते हैं इसको, ये उल्टे आंटे वाला है। तो अगर आपका कहीं पे स्क्रू ख़राब हो गया हो तो उसको आप ये कर सकते हैं। ये भी इसके भी आगे आपको सेंड दिया हुआ है, हर एक चीज़ के आगे आपको सेंड दिया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि आपको किसी भी जगह कोई भी, देखिए ये कार्विंग के लिए खास यूज़ होता है। नीचे लो थोड़ा, और ये पाना रहा, पाने को उसकी जगह पे रख देते हैं। गन में भी लगा के बता दो एक बार। गन में भी लगा दूँ, और ये वाली भी एक खास चीज़ है, इसके बहुत सारे ये अटैचमेंट आपको इसमें लग जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको इसको लगा देना है। हाँ बहुत ही बढ़िया चीज़ है, गन में लगा के आपको मैं बता देता हूँ एक बार। गन जैसे खोलना, लगाना आसान है वैसे खोलना भी आसान है। जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था, रोटरी को घुमाइए, लॉक कीजिए और इसको खोल दीजिए।
फ्लेक्सिबल जो अटैचमेंट है वो, ये फ्लेक्सिबल अटैचमेंट आपका बाहर आ गया, इसको आप साइड पे कर दीजिए। और एक बार मैं आपको बता दूं, इसके अंदर की जो नॉब है वो जैसे फ्लेक्सिबल अटैचमेंट में भी बदल सकते थे, इसमें भी आप आसानी से बदल सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये मुझे लगा के ये वाली लगानी है, या आराम से मैं इसको लगा सकता हूँ। मैं देख सकते हैं आप, और अब मैं वापस इसकी जो थी वो लगा देता हूँ। ऊपर से इसका जो रोटरी का जो वाइस बोल्ट नट है वो मैं घुमा देता हूँ, और ये जो अटैचमेंट पहले हमने खोला था अंदर नहीं जावे उसके लिए, ये वाला भी लगता है, और मैं आपको ये वाला भी लगा के बता दूँ। ये वाला, ये लगा के आप इसको ये नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए आपको क्या है कि कोई ऐसे खड़े रह के, जो आपको अगर लकड़ी का धार वगैरह के अंदर अगर आपको उसकी जो साइड होती है, साइड को आपको स्मूथ करना है, तो आप ऐसे पकड़ के उसको स्मूथ कर सकते हैं। जो लकड़ा होता है ना, आप ऐसे ऐसे घुमा के ये वाला अटैचमेंट लगा के आप, बता दूं मैं आपको ये वाला अटैचमेंट। और एक काम भी होता है इसके अंदर, अगर आपने ये वाला अटैचमेंट पत्थर वाला किसी एकदम छोटी चीज़ को आपको अगर पॉलिश करना है, मैं आपको लॉक करके बता दूं, क्योंकि हमारा वीडियो का मेन पर्पस है कि हर चीज़ हम लोगों को डिटेल में बता दें, तो मैं ये चीज़ भी आपको डिटेल में बता दूं, फिर आप कमेंट करके बोलेंगे कि आपने डिटेल में नहीं बताया। ये लगा दिया मैंने, इसमें भी लग जाएगा, और ये सारे में भी इसमें आराम से लग जाएगा। ये वाला जो है इसके लिए छोटे दिए हुए हैं, ये छोटे के अंदर लग जाएगा। सब किस्म के लग जाएंगे इसमें, देख सकते हैं आप, बहुत सारे। मतलब अगर आपने एक बार ये पेटी को परचेस कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और ये बड़े वाले 18 है, वो 21 है और वो 18 है। ये मैं आपको इसमें लगा के बता देता हूँ एक बार, पत्थर में आपको लगा के बता दूँ एक बार पॉलिश करने के लिए। और एक पत्थर लगा दे के बता देता हूँ आपको, अब मैं आपको ये जो तार वाला जो ब्रूस बोलते हैं ना, तार लगा हुआ होता है, वो मैं लगा के बताता हूँ आपको। ये भी बहुत काम की चीज़ है, इसको ढीला करना पड़ेगा पहले, और इसको हमने इसको लगा दिया और ये लॉक हो गया। वही प्रोसीजर फॉलो करना है। देखिए अभी हमने लगाया नहीं है, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लगा के रखेंगे तो आपका धूल वगैरह अंदर नहीं जाएगा। ये चालू हो गया, देख सकते हैं आप, काट दिया इसने, पॉलिश करना हो अंदर से बाहर से कहीं से भी पॉलिश कर सकते हैं आप। सेम प्रोसीजर है, लॉक करना है, इसको इसकी जगह पे रख देते हैं, और वही ब्रश आपका ये भी है तार वाला, देख सकते हैं सॉफ्ट तार है एकदम। किसी चीज़ को आपको जंग लगा हुआ हो, छोटी सी चीज़ को जंग को निकाल, जंग लगी हुई हो, कोई छोटी सी जो घड़ियाल है वगैरह जो आपको जंग लग जाता है उसके अंदर आपको ये लगाना हो, छोटे छोटे ब्रश है, ये आपको प्लास्टिक के ब्रश है, ब्लैक वाले प्लास्टिक के है, ये आपकी रोटरी है, ग्राइंडर का काम करेंगे आपको, ये इसका पाना है, और ये इसका सैंड पेपर वाला है, देख सकते हैं आप सैंड पेपर लगे हुए इसके अंदर पूरे, ये भी इस्तेमाल हो जाता है, ये वाला भी एक है, हर चीज़ आपको इस्तेमाल में आएगी। और ये जो मैंने आपको जो डिस्क बताई थी, ये डिस्क, इसको भी मैं आपको एक बार लगा के बता देता हूँ, ये इसमें लग जाएगी आपकी डिस्क, देख सकते हैं आप, थोड़ा छोटा छोटा है, हाथ में आने में मुश्किल है थोड़ी, देखिए
इसके अंदर आपकी डिस्क लग जाएगी, ये पूरा फिट हो जाएगा इसमें। मैं चालू करूँगा तो ये डिस्क अंदर चली जाएगी, ये भी आपकी इसमें ही फिट हो जाएगी। ड्रिल के पाने भी बहुत शाफ्ट माइनर है, बहुत माइनर माइनर पाने देख सकते हैं आप, वन सब छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक पाने हैं, जो हाथ में से आपको काम भी, ये एकदम धार वाला पाना है, या एकदम बारीक जो आपको जीना काम करना हो उसके लिए आपको यूज़ होगा। सबके अपने अपने पाने के जो सेट है उसके होल के हिसाब से आपको रखने हैं, ताकि वो वहीं पर मिलेंगे आपको वापस उसी जगह पे से। ये वाला जो पाना है ये भी मैं इसकी जगह पे रख देता हूँ। ये मेन आपकी इसको टाइट करने के लिए और रोटरी को फिट करने के लिए मेन चीज़ है ये, देख सकते हैं आप। मशीन को एक बार आपको बता दूँ, फिटिंग करके लॉक करना है, लगा देना है। आगे से मैंने इसको लॉक कर दिया है, बहुत बढ़िया मशीन है, एक बार चालू करके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, डिटेल रिव्यू हमने किया है। हो सकता है तो हम और भी ज़्यादा इसका डिटेल रिव्यू आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका प्राइस भी हम आपको बता देंगे, क्या प्राइस है। बहुत से लोगों का कमेंट आता है प्राइस है, प्राइस के लिए मैं आपको वापस से बोल देता हूँ कि हर एक स्टेट के अंदर प्राइस अलग अलग होती है, जीएसटी का अलग अलग होता है, तो उतना इतना सब हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम ओनली आपको एक प्रोडक्ट बता देते हैं, जो प्रोडक्ट का डिटेल आपको अगर अपने स्टेट में ख़रीदना है तो आप उसको जाके ख़रीद सकते हैं बेझिझक होके कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने देखा हुआ है। तो उस चीज़ के लिए हम प्रॉपर अनबॉक्सिंग करते हैं कि आपको प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, वो आपको टोटली आइडिया आ जावे और आपके काम की चीज़ इसमें है कि नहीं वो आपको पता चल जावे। बहुत से जो व्यूअर्स होते हैं वो प्राइस के लिए हमें कमेंट करते हैं, मगर हम सब जगह का प्राइस आपको नहीं बता सकते। जो यहाँ का जो लोकल प्राइस है गुजरात का, वो हम आपको बता देंगे, फिर आप अपने हिसाब से अपने स्टेट के अंदर इस प्रोडक्ट की डिटेल निकाल सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टूल इन्फो 1232 को, और जो व्यूअर्स अभी नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।